ये न्यूज बहुत ही एकदम गर्मा गर्म है, जिसे भी सुनना हो कृपया फूक फूक कर सुनिएगा। अभी अभी खबर मिली है कि कश्मीर में अधिक ठंड पड़ने से लोग हाथ में मोजे और पैर में दस्ताने पहन रजाई के ऊपर सो रहे हैं और वो अभी तक जारी है। अभी दौड़ते दौड़ते खबर आई है कि पटना के दानापुर सब्जी मंडी में एक चूहा अचानक पिस्तौल लेकर घुस गया, जिससे सब्जियों के बीच में खलबली मच गई, जिसमें दो आलू, दो टमाटर और बैंगन भाग कर निकले और ट्रक के नीचे आकर मारे गए और पुलिस पोस्टमार्टम में लगी हुई है। आज काशी के शमशान घाट में एक मुर्दा 300 मन लकीर लेकर फरार हो गया, जो एक घाट में बाबा के लोटे से बरामद हुआ। आज यमुना नदी में अभी अभी पता चला है कि यमुना नदी में आग लगने से हजारों की तादाद में मछलियां मर गई और जो बाकी मछलियां थी वो कछुओं के साथ बैठकर पेड़ पर चढ़कर साहस की रात ले रही है, राहत की सांस ले रही है। अभी अभी खबर मिली है कि एक मच्छर और मक्खी भागकर शादी करने जा रहे थे, तभी पटना से चलकर रांची को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से उनकी टक्कर हो गई। कहा जा रहा है कि उस मच्छर और मक्खी को तो कुछ नहीं हुआ पर ट्रेन चकनाचूर हो गया। हजारों लोग जो मरे लगे हैं उन्हें पीएमसीएच में भर्ती करा दिया गया और घायलों लोगों को शमशान घाट पर पहुंचा दिया गया। और सरकार ने आग्रह इनाम रखा है कि जो भी उस मच्छर और मक्खी को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम में एक जूता चप्पल और एक जूता उसके सर पे दिए जाएंगे। अब खबर मौसम की देखते हुए फलटन में ये बारिश हो रही है। जैसे बारिश हो रही है उसी बारिश के अनुसार संभवतः यह आग्रह आशंका हुई है कि हर बारिश के हल्के झोंकों के साथ रसगुल्ले और बर्फी की भी बारिश होगी। इसलिए मैं उस सारे लोगों से आग्रह करता हूँ कि जिनको मुंह मीठा करना हो अपना मुंह खोल कर रखे। और ये अभी ये न्यूज आज की मुख्य समाचार ताजा एवं बासी समाचार यही समाप्त होती है। धन्यवाद।